नमस्कार, मैं उस पहल अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। बचरावा रायबरेली इंटरलॉकिंग लगवाने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े। नगर पंचायत बचरावा के अंतर्गत वार्ड नंबर 11 में सभासद विनोद सोनी द्वारा इंटरलॉकिंग लगवाई जा रही थी, जो कि मानक के पहले की लगी इंटरलॉकिंग से भी ऊंची थी। बताते चले कि समरसेबल की बोरिंग, जो कि सभासद द्वारा अपने दरवाजे पर करवाई गई थी, वह ऊंची होने के कारण इंटरलॉकिंग ऊंची हो गई थी। लोगों का कहना है कि बरसात के सीजन में इंटरलॉकिंग ऊंची होने के कारण पानी घरों के अंदर जाएगा, जिसका विरोध अनिल कुमार सोनी एवं उनके परिजनों ने किया। सूत्रों से पता चला कि आज नगर पंचायत अधिकारियों द्वारा उस सड़क की जांच करना था, लेकिन जांच तो दूर, मामला पहले ही इतना गंभीर हो गया था, जिसका विरोध करने पर सभासद एवं उनके पड़ोसी के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। मामला बढ़ता गया और मारपीट की नौबत आ गई, जिसमें सभासद व उनके पड़ोसी ने अपने आपे को खो दिया। सभासद ने सरिया निकालकर अनिल कुमार सोनी के ऊपर हमला कर दिया, जिससे दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई एवं कई लोगों को चोटें आई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को गिरफ्तार कर थाने ले आई है। घायलों को इलाज के लिए बचरावा CSC में मेडिकल के लिए भेजा है। हमारे संवाददाता मनोज सिंह की स्पेशल रिपोर्ट। मामला हुआ क्या मामला? जो चलो